Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Shiva Easy English Zone. और आपको पता है मेरा नाम है शिवानंद सिंह. तो आज की ये जो वीडियो क्लास है इसमें मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कक्षा 10 का, यानी यूपी बोर्ड के वो स्टूडेंट जो इस शैक्षिक सत्र 2020 और 21 में 10वीं कक्षा में हैं उनके लिए कौन कौन से अंग्रेजी विषय हेतु पाठ अनिवार्य हैं अध्ययन के लिए, और ऐसे कौन से पाठ हैं जो इस शैक्षिक सत्र में हटा दिए गए हैं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा. तो आइए इस पर बात करते हैं, देखते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण भाग जो इस शैक्षिक सत्र के लिए आवश्यक नहीं है अध्ययन हेतु, और वो कौन से पाठ हैं जिनको पढ़ना अनिवार्य है. क्या कोई परिवर्तन आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में भी हुआ है? क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यानी अंक विभाजन में भी किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है? इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे. तो अगर आप नए हों मेरे चैनल पर यानी कि शिवा इज इंग्लिश जोन पर, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कारण कि जैसे ही कोई नई वीडियो आपकी कक्षा हेतु अंग्रेजी विषय के लिए बनेगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, देखिए, शेयर करिए और लाइक तो जरूर करिए. हाँ, अगर कोई समस्या रहती है वीडियो के कंप्लीट होने तक, आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अगर कोई समस्या रहती है तो कमेंट सेक्शन खाली है, आपका इंतज़ार कर रहा है. जाइए और अपनी समस्या लिखिए, मैं निराकरण करने का पूरा प्रयास करूँगा. तो शुरू करता हूँ. पहले कौन सी पुस्तक कक्षा 10वीं के लिए शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने और माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने आपके लिए लगाई है? तो राजीव प्रकाशन की कक्षा 10वीं की पुस्तक जो पहले से चलती आ रही है वही पुस्तक इस सत्र में भी चलेगी, पुस्तक वही रहेगी. हाँ, उस पुस्तक में जितने चैप्टर्स हैं प्रोज में, पोइट्री में, सप्लीमेंट्री में, वो सब नहीं पढ़ने हैं. वो कौन से पाठ हैं जो इस सत्र के लिए नहीं पढ़ने हैं उस पर भी चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको ज्ञात भी होगा, कक्षा 9 में आपने पढ़ा भी होगा कि आपका जो लिटरेचर पोर्शन इट मीन सेक्शन ए है वो 3 भागों में डिवाइड है. पहला भाग आपका प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, ये 3 भाग हैं सेक्शन ए के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, अभी तक जो किताब में आपको मिलेगा भी प्रिंटेड चैप्टर, सारे चैप्टर मिलेंगे. ऐसा नहीं कि यूपी सरकार ने 30% सिलेबस की कटौती कर दी है तो 30% कटौती में कौन कौन से पाठ बाहर गए हैं, इसकी जानकारी अति आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आप एक बोर्ड फाइनल स्टूडेंट्स हैं. तो जैसा आपको ज्ञात होगा कि प्रोज में अब तक कुल आपको 6 चैप्टर पढ़ने होते थे. प्रोज सेक्शन में 6 चैप्टर्स होते थे और सामान्य अवस्था में आपको 6 के 6 पढ़ने होते थे. लेकिन जैसा कि COVID-19 के प्रकोप को देखते हुए, COVID-19 पता है एक महामारी है, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने जो 30% पाठों की कटौती कर दी है उसके हिसाब से देखा जाए तो अब प्रोज में मात्र 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं. कितने? मात्र 4 चैप्टर्स हैं, कुल 6 लेकिन पढ़ने सिर्फ 4 हैं. अब ये 2 पाठ कौन से हैं जो हटा लिए गए? वीडियो में बने रहिए, मैं बताता हूँ बहुत जल्द आपको कि वो 2 प्रोज के कौन से पाठ हैं जो हटा लिए गए हैं. इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है पोइट्री सेक्शन का, पोइट्री में आपको अभी तक कुल 4 पोएम्स पढ़नी होती थी, 4 पोएम्स, लेकिन COVID-19 महामारी के वजह से 1 पोएम हटा ली गई है, यानी अब आपको मात्र 3 पोएम पढ़नी है. इसके बाद नंबर आता है सप्लीमेंट्री रीडर का. सप्लीमेंट्री रीडर में आपको 3 स्टोरीज पढ़नी होती थी, 3 चैप्टर्स पढ़ने होते थे, लेकिन कोविड ने इसको भी प्रभावित किया है, यानी कोविड की वजह से इसमें से भी आपको 1 पाठ नहीं पढ़ना है, यानी 3 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ने हैं.
ठीक है। तो अगर देखा जाए कटौती की बात करें, जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके हिसाब से प्रोज से आपको दो पाठ निकाल दिया गया, पोइट्री से एक पोयम हटा दी गई और सप्लीमेंट्री रीडर से एक स्टोरीज हटा दी गई। अब बात करते हैं वो कौन से चैप्टर्स है जो हटा दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पहला हटाया गया सब में, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। क्या ज़रूरी है कि वो पाठ पहले आप अपनी किताब, या किताब नहीं है तो नहीं है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, फाइनल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं आप, और आपके पास किताब अति आवश्यक है। किताब है तो ठीक है, नहीं है तो तुरंत परचेज करिए, राजीव पब्लिकेशन के लिए मान्यता सरकार ने उसको हैंडओवर किया हुआ है, पब्लिशिंग का काम दिया हुआ है, आप ज़रूर किताब ले लीजिए। तो इसमें कौन सा पाठ प्रोज का है जो आपको नहीं पढ़ना है, नोट डाउन करिए। पहला जो चैप्टर आपको प्रोज का नहीं पढ़ना है वो है टॉर्च बियरर। टॉर्च बियरर नाम का एक प्रोज में पाठ होगा, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है। अच्छी बात इसलिए मैं कह दूं क्योंकि टॉर्च बियरर एक बहुत बड़ा चैप्टर था और वो दो पार्ट में डिवाइड था, दो पार्ट थे, पार्ट वन पार्ट टू करके था, दो स्टोरीज थी उसमें, दो एक्सरसाइजेज, यानी काफ़ी लेंदी चैप्टर था। राहत आपको मिल जाएगी क्योंकि टॉर्च बियरर इस शैक्षिक सत्र में आपको नहीं पढ़ना है। और जो दूसरा पार्ट है जो आपको नहीं पढ़ना है वो है सबसे लास्ट यानी छठवां चैप्टर, क्या पता, आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, ये नाम है चैप्टर का, जो लास्ट चैप्टर आपके प्रोज का, ठीक है, इसको भी नहीं पढ़ना। आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स नाम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 इन प्रोज सेक्शन, यू हैव नॉट टू स्टडी फॉर दिस सेशन, ओके। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की। सप्लीमेंट्री रीडर में तीन चैप्टर हुआ करते थे, इस साल के लिए एक चैप्टर हटाया गया है, और जो चैप्टर हटाया गया है वो चैप्टर नंबर 3 है और उसका नाम है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ठीक है। जेसी ओवेंस का लिखा हुआ चैप्टर है, उन्हीं की लाइफ बायोग्राफी पर बेस्ड चैप्टर है, ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। यानी कि प्रोज के दो चैप्टर्स, टॉर्च बियरर, आवर इंडियन स्टोरीज, आवर इंडियन म्यूजिक एंड स्टोरीज एनेक्डोट्स आपको नहीं पढ़ना है। पोएट्री सेक्शन की बात करें तो आपको द नेशन बिल्डर्स नाम की जो पोयम है ये भी आपको नहीं पढ़नी है। और सप्लीमेंट्री में जो लास्ट चैप्टर है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से देखा जाए तो दो प्रोज का, एक पोयम और एक सप्लीमेंट्री, कुल मिला के चार चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। तो पढ़ने कितने हैं, चार पढ़ने हैं आपको प्रोज से, ठीक है, तीन आपको पोयम पढ़नी है, दो आपको शॉर्ट स्टोरी, यानी 4, 3, 7, 2, 9, कुल 9 चैप्टर ही पढ़ने, बस मात्र 9 चैप्टर का अध्ययन करना है बोर्ड परीक्षा हेतु। अब बात आती है कि क्या क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, क्या क्वेश्चन पैटर्न में भी कोई बदलाव हुआ है। तो आपको बता दें कि जो पिछले वर्षों में परीक्षा का प्रारूप है एकदम वही सेटअप है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है और ना ही अंक विभाजन में किसी तरह का कोई परिवर्तन है। जो परिवर्तन देखने को मिला है इस शैक्षिक सत्र में वो कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए है, ठीक है, वहाँ पुस्तकें भी बदल गई और पेपर पैटर्न भी बदल गया। लेकिन जो इस बार कक्षा 10 में है और कक्षा 12वीं में भी हैं उनमें किसी तरह का बदलाव प्रश्न पत्र में नहीं है, यानी जो प्रश्न पत्र की रूपरेखा है उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव सिलेबस में है, जो लिटरेचर पोर्शन में है, यानी जो रिड्यूस्ड है, वही सिर्फ बदलाव एक देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल मैं जल्दी से आपको बता भी देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर का जो सेटअप है, जो ड्राफ्ट है, वो कैसा रहेगा। आपको ड्राफ्ट का लास्ट एक व्यू भी मैं दूंगा, हालांकि आपके पुस्तक में भी ये व्यू मिलेगा, ये व्यू मैं दूंगा, आप बिल्कुल साइड में आप देख पाएंगे व्यू। पहले मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जैसा आपको पता है कि आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो सेक्शन में, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और जो सेक्शन बी होगा उसमें आपको ग्रामर,
ट्रांसलेशन, कंपोजिशन और अनसीन पैसेज, ये चार तरह के क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेंगे। जो दोनों सेक्शन होंगे वो बराबर बराबर अंकों के हैं। जैसा आपको पता होगा कि 30 अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन पर विद्यालय आपको देता है आपके शैक्षिक गतिविधियों को देखते हुए, और जो आपके 70 अंक हैं वो आपकी लिखित परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा है उसमें आपकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। तो जैसा आपको ज्ञात हो गया होगा कि आपका अंग्रेजी का पेपर 35 अंक सेक्शन ए में देगा और 35 अंक सेक्शन बी में देगा, यानी कुल 70 अंक मिलेंगे। अब ये जो 35 अंक सेक्शन ए में है ये भी बराबर भाग में डिवाइड किया गया है। 35 में से प्रोज को कितने अंक मिलेंगे, पोएट्री को कितने मिलेंगे और सप्लीमेंट्री को कितने मिलेंगे, मैं एक झलक देता हूँ थोड़ी सी आपको। जो प्रोज होगा वो आपको 16 अंकों का, सेक्शन ए में जो प्रोज होगा यानी जो चार चैप्टर प्रोज के पढ़ेंगे उससे आपको 16 अंक प्राप्त होंगे। पोइट्री में 3 पोयम पढ़ने पर आपको 7 अंक मिलेगा। इस बार की बात खाली कर रहा हूँ मैं, शैक्षिक सत्र 2020-21 की। चार चैप्टर प्रोज के पढ़ने पर आपको 16 अंक मिलेगा। पोइट्री के 3 पोयम की जो कलेक्शन है, 3 पोयम जो आपको प्रिस्क्राइब्ड है इस वर्ष हेतु, उसमें आपको 7 अंक मिलेगा। और जो सप्लीमेंट्री रीडर मिलेगी उसमें आपको 12 अंक मिलेगा। अगर आप कुल जोड़ेंगे तो आपको 35 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब उसके बाद सेक्शन ए में बात आती है कि कैसा प्रश्न होगा। जो सेक्शन ए में प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री है उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न का प्रारूप भी मैं दूंगा आपको, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। पहला जो प्रश्न होगा वो कंप्रेहेंशन बेस्ड होगा। इट मीन्स आपके जो चार चैप्टर प्रोज में आपको पढ़ने हैं उसी में से कोई एक पैराग्राफ, किसी एक पार्ट का पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रति प्रश्न आपको 2 अंक प्राप्त होगा। पैराग्राफ होगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चन होंगे। अगर आप हर प्रश्न का, दोनों प्रश्नों का सही सही जवाब दे देते हैं तो 2-2 अंक का है, 4 अंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा प्रोज से वो लॉन्ग आंसर, यानी 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका उत्तर मात्र 60 शब्दों में देना होगा। 60 शब्दों में, मात्र 60 शब्दों में देना होगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 1 का जवाब आपको लिखना है और वो होगा 4 अंक का। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 3 होगी उसमें आपको 3 शॉर्ट आंसर मिलेंगे। इट मीन्स इन प्रश्नों का उत्तर मात्र 25 शब्दों में लिखना होगा, 25 वर्ड्स। 3 प्रश्न मिलेंगे, इनमें से 2 के जवाब आपको देने हैं और प्रति प्रश्न आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी 2×2=4 हो गया। ठीक, अब जो लास्ट प्रश्न बनेगा प्रोज सेक्शन में, यानी प्रश्न संख्या 4, वो आपको वोकैबुलरी टेस्टिंग होती है। ठीक है, यानी शब्दकोश परीक्षण होगा आपका। उसमें क्या करते हैं, उसमें लिस्ट ए लिस्ट बी दे दी जाएगी। क्या करना होगा, हो सकता लिस्ट ए में वर्ड्स हों और उन्हीं वर्ड्स का सिनोनिम्स लिस्ट बी में हो, आपको करेक्ट पेयर बनाना होगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिस्ट ए के जो वर्ड्स हैं उनका एंटोनिम्स लिस्ट बी में लिख दिया जाता है और उनके करेक्ट एंटोनिम्स आपको मैच कराने होते हैं। तो 4 वर्ड देंगे आपको लिस्ट ए में और 4 लिस्ट बी में। अगर करेक्ट पेयर आप बना ले गए उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो आपको प्रति सही जवाब के लिए 1 अंक मिलता है, यानी कुल मैक्सिमम 4 अंक आपको मिलेगा। इस तरह से आपको 16 अंक प्रोज में प्राप्त होते हैं। पोएट्री की बात करें तो इसमें जो पहला प्रश्न बनता है वो आपकी जो 3 पोयम आपको पढ़नी है उसी में से किसी पोयम की 4 से लेकर 6 लाइनें देंगे, लेकिन एक स्टेंजा आपको मिलेगा। उस स्टेंजा पर बेस्ड 2 क्वेश्चन होंगे और प्रति प्रश्न हल करने पे आपको 2 अंक मैक्सिमम प्राप्त होगा। इसके बाद जो आपका पोएट्री का दूसरा क्वेश्चन होता है वो ऑप्शनल होता है। इट मीन्स वहाँ आपको ऑप्शन मिलता है। क्या ऑप्शन मिलता है, या तो आप अपनी 3 कविताएं जो आपको, यानी 2-3 पोयम्स इस वर्ष आपको पढ़नी है उसमें से जो प्रश्न पत्र में ना आई हो, इसका ध्यान रखिएगा, उसमें से कोई 4 लगातार लाइनें अगर आप लिख देंगे सही सही, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह, सारे पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखते हुए, तो आपको 3 अंक प्राप्त होते हैं।
ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न पत्र में लाइनें आई होंगी कविता की वो आपको नहीं लिखनी है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है, या तो आप इन तीन पोयम में से जो टाइटल क्वेश्चन पेपर में आएगा उसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। और यहाँ भी शब्द सीमा है, मात्र 40 शब्दों में आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है और तीन अंक आपको मिलते हैं। तो ऑप्शनल होता है, या तो आप चार लाइन की पोयम लिख दीजिए या तो आप सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, ठीक है, दोनों के अंक समान हैं, जो आपको अच्छी तरह से तैयार हो वो आप लिखिए। लेकिन ज़्यादातर व्यवहार में देखा जाता है कि पोयम लिखना ज़्यादा आसान होता है और सही सही अंक भी प्राप्त हो जाते हैं आपको। फिर बात आती है तीसरा जो पार्ट है सेक्शन ए का, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको दो पढ़ने हैं सप्लीमेंट्री रीडर में, उनमें भी तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला प्रश्न होगा उन दो पाठ में से कोई तीन प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें से मात्र दो को हल करना है और प्रति प्रश्न आपको दो अंक मिलेगा। यानी सप्लीमेंट्री में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या तीन होगी, उसमें से आपको हल दो करने हैं और एक को हल करने पे दो अंक, यानी दो दूनी चार अंक आपको मिलेगा। फिर सप्लीमेंट्री रीडर में जो दूसरा प्रश्न होगा वो होगा आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स चेक करने होंगे। इसमें आपको चार स्टेटमेंट मिलेंगी और हर स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, और करेक्ट आंसर के लिए आपको एक अंक मिलेगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री में जो तीसरा प्रश्न तैयार होता है वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। यानी इसका मतलब कि एक स्टेटमेंट आपको दी जाएगी और उसके चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे ABCD करके। आपको इन चार ऑप्शन में बताना होगा कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको चूज करना है, और अगर आप ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो जितने भी करेक्ट ऑप्शन आप चुनेंगे उस पर आपको एक अंक की प्राप्ति हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। फिर बात आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको फर्स्ट 13 चैप्टर यानी शुरुआत से जो 13 चैप्टर हैं वो ग्रामर में कंक्लूड होते हैं, और इस पर बेस्ड आपको जो अंक की प्राप्ति होगी वो भी बड़ी मज़ेदार है। यानी आपको 13 चैप्टर पढ़ने के बाद मात्र 15 अंक की तैयारी होगी। ये 8 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, ग्रामर आपका जो होगा सेक्शन बी का जो पहला सेक्शन है सब पार्ट है वो ग्रामर है। इस ग्रामर में आपको जो पहला क्वेश्चन मिलता है वो रीऑर्डरिंग का मिलता है, यानी कुछ जंबल्ड वर्ड्स दे दिए जाएंगे, एक सेंटेंस होगा लेकिन वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं होगा, ठीक है, वर्ब आगे होगी सब्जेक्ट पीछे होगा या ऑब्जेक्ट आगे कर देंगे, मतलब वो जंबल्ड होगा, जिगजैग फॉर्म में पड़ा रहेगा, उसको करेक्ट ऑर्डर में पुट करना होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है और अगर आप सफल हुए तो आपको दो अंक प्राप्त हो जाते हैं। ग्रामर पोर्शन की एक खासियत है, बहुत तेजी से सॉल्यूशंस आते हैं अगर आप सही जान रहे हैं, और अगर नहीं आते तो आप कुछ कर भी नहीं सकते उसमें, एकदम मैथमेटिकल एग्जैक्टनेस वहाँ पे काम करती है। ये नहीं कि कुछ लिख दिया तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, जो एग्जैक्ट आंसर है वही आपको लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो चेंज ऑफ सेंटेंस आता है, यानी कोई अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो उसको जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में बदलना होगा, अगर आप ऐसा बदल पाते हैं तो दो अंक इस पे भी मिल जाएगा, एक ही प्रश्न रहता है। तीसरा जो प्रश्न होगा ग्रामर का वो होगा नरेशन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही बदलना है, दोनों तरह का बदलाव होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बदला जाता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बदला जाता है, लेकिन कक्षा 10 में सिर्फ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है और इसमें भी एक सेंटेंस मिलेगा और अगर आप बदल पाते हैं तो दो अंक हो जाएगा। इसमें डिटेल वीडियो पड़ी हुई है चेंज ऑफ सेंटेंस पर, ठीक है, और नरेशन पर बेस्ड वीडियोस पड़ी हुई है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है उनकी, आप जाइए उसको जरूर देखिए, बार बार देखिए, जब तक न समझ में आए तब तक देखिए, उसके बाद भी समस्या रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या लिखिए, उस पर नया वीडियो मैं बनाऊंगा। फिर बात करता हूँ अगला जो चौथा सेंटेंस मिलेगा, एक सेंटेंस मिलेगा आपको, उसमें से बीच में वर्ब ब्लैंक छोड़ दी जाएगी, जो वर्ब की प्लेस होगी वो खाली होगी, आपको ब्रैकेट में वर्ब लिखी जाएगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आपको मिलेगी, सेंटेंस में कुछ हिंट होंगे यानी क्लू होंगे जो टेंस का ज्ञान कराएंगे,
और उस प्रॉपर टेंस को पहचानते हुए वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी होगी उस ब्लैंक में, उस खाली जगह में। ठीक है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी होगी जो सेंटेंस का टेंस इंडिकेट करेगा। फिर जो क्वेश्चन अगला जो बढ़ेगा उसमें आपको प्रीपोजिशन फिलअप करने के लिए आता है, यानी इसमें भी आपको एक सेंटेंस मिलेगा, ब्लैंक होगा, प्रीपोजिशन की प्लेस खाली होगी, आपको ब्रैकेट में तीन प्रीपोजिशन या चार प्रीपोजिशंस दे दिए जाएंगे और उन चार में से जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा आपको उस खाली जगह में भरना होगा। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आपको दो अंक की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तक जितने भी ग्रामर में मैंने बताए हैं क्वेश्चंस, सब पे दो अंक ही प्राप्त होते हैं और एक सेंटेंस आता है या एक प्रॉब्लम आती है। अब अगला जो आता है वो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है, यानी एक आधा अधूरा सेंटेंस मिलेगा, यानी सेंटेंस का एक क्लॉज मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा। कंजक्शन की सहायता से आपको अगला हिस्सा कंप्लीट करना होता है। अगर ऐसा कर पाते हैं जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दे तो आपको दो अंक की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद जो अगला सेंटेंस आएगा, अगली प्रॉब्लम आएगी, आपको अगला क्वेश्चन आएगा, वो स्पेलिंग टेस्टिंग के लिए होता है। यानी कोई वर्ड लिख दिया जाएगा, उसमें से बीच का कोई एक लेटर गायब या दो लेटर गायब कर दिया जाएगा, आपको वो वर्ड पहचानना है और उसमें जो गायब लेटर्स हैं उनको फिलअप करके एक प्रॉपर वर्ड बनाना है। आधे अंक के दो पूछे जाते हैं, यानी आधे आधे अंक के दो, यानी एक अंक आपको स्पेलिंग टेस्टिंग पे मिलेगा। ऐसा अभ्यास आप अपनी लिटरेचर बुक में या आप अपनी ग्रामर के पोर्शन में जाएंगे तो ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, उसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और जो ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन होता है वो पंचुएशन होता है, यानी विराम चिन्ह। एक सेंटेंस लिखा रहेगा जिसमें न कैपिटल होगा, न कॉमा होगा, न फुल स्टॉप होगा, न इन्वर्टेड कॉमा होगा। आपको सेंटेंस पढ़ना है और प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप कर पाते हैं तो दो अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो सेक्शन बी का दूसरा पोर्शन है, ग्रामर के बाद अगला जो हिस्सा आता है वो ट्रांसलेशन का आता है। आपको मतलब कक्षा 10 में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए चार अंक निर्धारित हैं, और बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा एक पैसेज होगा जो चार या पांच सेंटेंसेस का होगा, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं प्रॉपरली, टेंस का, वोकैबुलरी का, वर्ड ऑर्डर का, सब कुछ ध्यान देते हुए, तो आपको चार अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो राइटिंग स्किल पर बेस्ड है। राइटिंग स्किल इन सेंस, आपको लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग, जनरली ये ऑप्शनल होती है, या तो लेटर राइटिंग लिखने के लिए आती है या तो आपको एप्लीकेशन राइटिंग लिखने को आती है, ऑप्शनल होती है, ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना होता है और चार अंक आपको मिलते हैं। और इसी राइटिंग स्किल में जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो एसे राइटिंग का बनता है। आपको चार पांच टॉपिक्स दिए रहेंगे और उनकी हेडिंग भी दी रहेगी, उन्हीं हेडिंग को डेवलप करते हुए मात्र 75 शब्दों में आपको अपना एसे कंप्लीट करना होता है और आपको 10 अंक मिलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 10 अंक का एसे राइटिंग है। शीर्षक भी मिलेगा, जैसे माई टीचर्स, आपको एसे का टाइटल मिल गया, तो खाली माई टीचर्स आपको टाइटल नहीं मिलेगा, उसके अंदर भी मिलेगा नेम, क्वालिफिकेशन, टीचिंग मेथड, ड्रेस, हॉबीज, इस तरह से उनका सब टाइटल भी मिलेगा जिसको आप जनरली हेडिंग बोलते हैं। उन सब टाइटल्स को डेवलप करके आप मात्र 75 शब्दों में लिखेंगे और आपको अंक 10 मिलेंगे, 10 अंक, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपके क्वेश्चन पेपर का वो होगा अनसीन पैसेज, यानी एक कोई ऐसा पैसेज होगा जो जनरली आपने पढ़ा नहीं होगा, काफ़ी लंबा पैसेज होता है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके नीचे दो क्वेश्चंस लिखे होंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर जनरली आपको उसी पैसेज से मिलेगा और प्रति प्रश्न आपको 3 अंक मिलते हैं, यानी अनसीन पैसेज आपको 6 अंक का मिलेगा। और अगर आप सही सही आंसर चूज कर लेते हैं, पैरा से निकाल लेते हैं, तो आपको 6 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल देखा जाए तो कहीं भी क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बदलाव नहीं आया है, आपका जो फाइनल सेटअप होगा कुछ ऐसा दिखेगा क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। ये ऐसा, मैं क्वेश्चन पेपर बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए,
इन केस कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन रह जाती है आपके दिमाग में तो बिल्कुल भी मत परेशान होइए, आप शिवाइज इंग्लिश क्लासेस से जुड़े हुए हैं, आपकी समस्या का समाधान करना मेरी ड्यूटी है। आप अपनी समस्या को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। बस आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक तो ज़रूर करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए, शेयर करिए। थैंक यू।